लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पुणे में भाजपा आमदार का बारामती में निषेध। भाजपा के नए आमदार गोपीचंद पडळकर द्वारा राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार पर टीका टिप्पणी के बाद पडळकर के विरोध में महाराष्ट्र में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुणे के बारामती में पडळकर विरोधी जमकर नारेबाजी की गई। सोलापुर में गोपीचंद पडळकर विरोध में गाढ़ो आंदोलन। भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर की ओर से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर की गई टिप्पणी पडळकर के लिए महंगी साबित हो रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से गधा रैली निकाली गई। इस रैली में गोपीचंद पडळकर की प्रतिमा को गधे पर लगाकर उनका निषेध व्यक्त किया गया। पडळकर से शरद पवार से माफी मांगने की मांग भी की गई और साफ शब्दों में कहा गया कि पडळकर जब तक माफी नहीं मांगते उन्हें सोलापुर में आने की मनाई होगी, सोलापुर में आने नहीं दिया जाएगा। रत्नागिरी में गोपीचंद पडळकर का निषेध। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के आमदार गोपीचंद पडळकर द्वारा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को कोरोना की उपाधि दिए जाने से राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गोपीचंद पडळकर का विरोध जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में एनसीपी कार्यकर्ता पडळकर विरोधी रैली निकाल रहे हैं। रत्नागिरी जिले के चिपलूर में राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से आमदार शेखर निगम द्वारा पडळकर द्वारा किए गए वक्तव्य पर जोरदार विरोध दर्शाया गया। इस दौरान शेखर निगम ने कहा कि पडळकर द्वारा शरद पवार पर की गई टिप्पणी राजनीति को कालीमा लगाने वाली है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।